से दो वो थे लकड़हारे बोलते हैं जो पेड़ काट रहे थे, ये सुना है आप लोगों ने एग्जांपल? सुना होगा, जिसने नहीं सुना मैं बता देता हूँ, बड़ा कॉमन सा है ये। दोनों ने साथ साथ में पेड़ काटना शुरू किया, एक दिन में मान लो 10 पेड़ काटते थे दोनों। कुछ टाइम बाद, एक महीने बाद क्या हुआ कि एक बंदा 10 से 20 पेड़ पे पहुंच गया, 20 पेड़ काटने लगा, और जो दूसरा बंदा था वो एक पेड़ पे आ गया, जबकि मेहनत वो एक वाला ज्यादा कर रहा था और जो 20 वाला था वो कम कर रहा था। वो 4 घंटे काम कर रहा था, ये 8 घंटे काम कर रहा था। 8 घंटे के बावजूद भी वो एक पेड़ काट रहा था और वो 4 घंटे में 20 पेड़ काट रहा था। तो वो क्या कर रहा था, उससे जब जाकर के पूछा समझा, तो वो 4 घंटे पेड़ काट रहा था और बाकी के 4 घंटे उसकी धार तेज कर रहा था अपनी जो आ रही है उसकी। ये बात पकड़ में आई? तो आप कितनी धार तेज करते हो अपनी इस ब्रेन की, जिस ब्रेन से आपको सोचना है करना है, इस बॉडी के ऊपर कितना काम करते हो? इस बॉडी के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं लेजीनेस की, लेजीनेस तो आनी ही है। बॉडी के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो, बॉडी की धज्जियां तो उड़ा रहे हो, 8-8 घंटे तक मोबाइल के ऊपर लगे हुए हो, कर रहे हैं ना ये सब हम, इसकी वजह से बॉडी पूरी स्टिफ हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो सुस्ती आएगी, जिसको लेजीनेस बोलते हैं। तो आप बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड पे क्या काम कर रहे हो अगर मैं आपसे पूछूं तो? माइंड की पावर्स बढ़ाने के लिए। माइंड की पावर्स बढ़ती कैसे है, ब्रेन की पावर्स कैसे बढ़ती है? हाँ, एक तो है ब्लड सर्कुलेशन से, दूसरा है कि ब्रेन को रेस्ट देने से। रेस्ट सोने वाला रेस्ट नहीं कह रहा मैं, मतलब बीइंग एब्सोल्युटली अवेयर बट नॉट डूइंग एनीथिंग। उससे क्या होता है, ब्रेन शार्प हो जाती है। कितनी शार्प हो सकती है उसकी कोई हद नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पास्ट में, बड़े से बड़े, चाहे बाहर की दुनिया के चाहे अंदर की दुनिया के, उसमें आप एक चीज नोट करोगे, वो लोग कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक कुछ कुछ केसेस में बैठे रहते थे एक ही जगह, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और जब कुछ नहीं कर रहे होते थे तब डिस्कवरी होती थी। बात समझ आई? दूसरी तरफ से ऐसे लाखों साइंटिस्ट आए और गए, उन्होंने क्या किया जिंदगी में, 50 साल तक खच्चरों की तरह सिर्फ काम ही काम किया, सुबह से रात तक लेबोरेटरी में लगे रहे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। करने से सब कुछ थोड़ी होता है, ना करने की पावर जिस दिन आपको समझ आ गई कुछ ना करने की, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूं, जागे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो ना अंदर ना बाहर, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त आपकी ब्रेन एक ऐसे कंप्यूटर की जैसी होती है जो अभी अभी फॉर्मेट हुआ है, और फॉर्मेट होते ही उसके बाद में जैसे ही कोई थॉट उसके अंदर जाता है एकदम से प्रोसेस होकर के बाहर आता है। तो ये है एक्चुअल सॉल्यूशन।